Let's do question number 59th of exercise 16A. That is area of circle. Question number 59 is PQRS is a diameter of circle of radius 6 cm. PQRS diameter hai circle ka jiska radius hai 6 cm. The length PQ, QR and RS are equal. Jo PQ, QR aur RS ki length hai wo equal hai. Semicircles are drawn with PQ and QS as diameter. वो कह रहे हैं semicircles drawn किए गए PQ पे और QS पे, right? As shown in the given figure. अगर PS की value है, PS total 12 centimeter है, तो हमें perimeter निकालना है और area निकालना है shaded region. इस shaded region का हमें पेरीमीटर निकालना है और अंदर का एरिया निकालना है. तो जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं. पहली बात, हमें पीएस डायमीटर दे रखा है, इज अ डायमीटर. और क्या कह रहा है, रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा है हमें पूरा, दैट इज 6 सेंटीमीटर दे रखा है रेडियस. और पी एस जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है. और क्या कह रहा है, पी क्यू किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है और क्यू आर आर एस के, ये तीनों आपस में इक्वल हैं, राइट. अब हमें ये सेमी सर्कल्स दे रखे हैं और इनका हमें रेडियस निकालना है. पी एस का रेडियस तो पता है, लेकिन पी क्यू का और क्यू एस का रेडियस नहीं पता है. तो हम क्या करेंगे, पहले पी क्यू क्यू आर और आर एस की लेंथ निकाल लेंगे. कैसे निकालेंगे, देखिए पी एस हमें कैसे कैसे मिलेगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस को ऐड करके मिलेगा, राइट. अब पी एस तो 12 है, पी क्यू कितना हो गया, पी क्यू हमें निकालना है. क्यू आर की जगह भी पी क्यू लिख सकती हूँ और आर एस की जगह भी पी क्यू लिख सकती हूँ. क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि पी क्यू इन दोनों के इक्वल है. एक ही साइड, एक ही एक डायमीटर पता चल गया, मतलब पी क्यू पता चल गया, तो हमें क्यू आर और आर एस पता चल जाएगा, इसलिए मैंने एक ही टर्म में कर लिया. तो 3 पी क्यू हो गया, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 12/3, 4 सेंटीमीटर आ गई. तो इसका मतलब पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू आर एस हमारे कितने हैं, 4 सेंटीमीटर के हैं, राइट. अब हम एक एक सेमी सर्कल लेंगे और उसका एरिया और पेरीमीटर साइड बाय साइड निकालते चले जाएंगे. तो सबसे पहले मैं पी बी क्यू ले रही हूँ सेमी सर्कल. इन सेमी सर्कल पी बी क्यू की बात कर रहे हैं, तो पी बी क्यू में पी क्यू हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, राइट. अभी अभी निकाला है, तो रेडियस क्या हो जाएगा पी क्यू का, रेडियस हो जाएगा पी क्यू का आधा, दैट इज 4/2, 2 सेंटीमीटर आ गया. तो एरिया क्या आ गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पी बी क्यू का एरिया कितना आएगा, दैट इज आधा हो जाएगा किसका, पूरे सर्कल का एरिया इसका. तो ये आया 1/2. पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा था 3.14 लेनी है, राइट. तो 3.14 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, 2 के बाद पॉइंट लग गया सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी तरीके से पेरीमीटर के लिए पी लिख रही हूँ, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पी बी क्यू क्या आ गया, आधा हो जाएगा सर्कल के पेरीमीटर से, दैट इज 2πr से. तो ये 2 से 2 तो यहीं कट गया. पाई की वैल्यू 3.14 थी और r की वैल्यू थी 2, तो ये आया 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, पॉइंट पेरीमीटर हमारा सेंटीमीटर्स में होता है, राइट. तो अब हमारा इस सेमी सर्कल का एरिया निकल गया और पेरीमीटर निकल गया. अब हम बिगर सर्कल का PTS की बात करेंगे. तो इन सेमी सर्कल PTS, PS हमें दे रखा था 12 सेंटीमीटर, राइट. तो रेडियस क्या हुआ सेमी सर्कल का, रेडियस हुआ हमारा PS का आधा,
दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 2, 6 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो एरिया क्या हुआ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पी टी एस कितना हुआ, हाफ ऑफ फुल सर्कल का एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो ये आया हाफ, पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना आया, आर है हमारा 6, तो 6 इंटू 6 तो ये आ गया 2 3s 6, तो दैट मीन्स 3.14 इंटू 6 3s 18, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 को 18 से, तो 8 4s 32 3 कैरी, 8 1s 8 9 10 11 कैरी 1, 8 3s 24 25, 4 1 and 3 तो ये आया 2 5 6 and 5 और 2 के बाद पॉइंट लग गया, तो ये आ गया 56.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरीके से पेरीमीटर निकाल देते हैं सेमी सर्कल किसका, पी टी एस का, वो कैसे आएगा, हाफ ऑफ 2πr होता है हमारा पेरीमीटर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पाई की वैल्यू कितनी आई, पाई की वैल्यू आ गई 3.14 इंटू आर, आर था हमारा 6, तो ये आया 6 4s 24 टू कैरी, 6 1s 6 7 8 एंड 6 3s 18 सेंटीमीटर आ गया। अब कौन से सेमी सर्कल की बात करेंगे, देखिए ये पूरे सेमी सर्कल का एरिया आया है और पेरीमीटर, तो उसमें से हमें ये अनशेडेड पार्ट हटाना होगा, तो इसका एरिया और पेरीमीटर निकालना होगा, तो क्यू ई एस, तो इन सेमी सर्कल क्यू ई एस की बात कर रहे हैं और हमें पता है क्यू आर आर एस के इक्वल था, तो दोनों 4 4 सेंटीमीटर के थे, तो हमारा क्यू आर क्या हो गया, रेडियस हो गया, रेडियस कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू क्यू आर, दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर ही आ गया हमारा। आप चाहें तो डायमीटर, डायमीटर क्या बैठेगा, क्यू आर प्लस आर एस, 8 8 को आधा करेंगे तो भी 4 ही आएगा, सेम आएगा, राइट। तो एरिया क्या आ गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्यू ई एस, आधा करना ना भूलें, हाफ करना, क्योंकि सेमी सर्कल है पाई आर स्क्वायर, तो ये आया हाफ इंटू 3.14 और R है हमारा 4 इंटू 4, तो ये आया 2 1s 2 2 2s 4, तो ये आ गया 3.14 इंटू 4 2s 8, दैट मीन्स 8 4s 32 3 कैरी, 8 1s 8 9 10 11 कैरी 1 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से पेरीमीटर देखें कितना आएगा, क्यों, क्योंकि हमें शेडेड पोर्शन का ये लेंथ भी निकालनी है, देखिए ये लेंथ भी निकालनी है, तो इसलिए हमें पेरीमीटर भी निकालना पड़ेगा, तो ये आ गया हमारा हाफ ऑफ 2πr, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई की वैल्यू थी 3.14 और r आया था हमारा 4, तो ये आया 4 4s 16 4 1s 4 5.12 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया निकालना है इस शेडेड पोर्शन का, तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मैं इसे इसके एरिया में ये पूरे सेमी सर्कल का एरिया प्लस कर दूं और उसमें से ये सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो हमें पता चल जाएगा, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे, हमने एरिया ऑफ किस में से, पी बी क्यू में पी टी एस ऐड किया, पी बी क्यू में प्लस किया एरिया ऑफ पी टी एस और उसमें से माइनस कर दिया एरिया क्यू ई एस का, राइट। तो पी बी क्यू का एरिया क्या था, पी बी क्यू का एरिया था हमारा 6.28, ये आ गया 6.28 प्लस पी टी एस का एरिया था हमारा 56.52 और हमारा क्यू ई एस का एरिया था दैट इज 25.12। अब प्लस की वैल्यूज एक साथ ऐड कर लेते हैं, 8 + 2 = 10 कैरी 1, 8.6 + 6 = 12 एंड 6 माइनस किया 25.12
12, तो ये कितना आ गया, 10 में से 2 गया इज 8, 7 में से 1 गया इज 6 पॉइंट, 12 में से 5 गया इज 7, 5 में से 2 गया इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स शेडेड पोर्शन का एरिया आ गया 37.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, शेडेड रीजन। ध्यान दीजिएगा, अब शेडेड रीजन के पेरीमीटर निकालने में कैसे क्या करेंगे हम, देखिए ये ऐड करेंगे पीटीएस, क्यूईएस ऐड करेंगे और पीबीक्यू ऐड करेंगे, मतलब इसमें तीनों चीजें ऐड होंगी पेरीमीटर में। तो पेरीमीटर ऑफ पीबीक्यू प्लस पेरीमीटर ऑफ पीटीएस प्लस पेरीमीटर ऑफ क्यूई एस, तो ये कितना कितना आ गया, पी बी क्यू का पेरीमीटर कितना था 6.28, तो ये आ गया 6.28 प्लस पी टी एस का पेरीमीटर था हमारा 18.84, 18.84 और हमारा क्यू ई एस का पेरीमीटर था 12.56, तो 12.56, तो ये कितना आ गया, 8 प्लस 4 इज 12, 12 प्लस 6 इज 18 कैरी 1, 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 8 इज 11, 11 प्लस 5 इज 16 कैरी 1, 6 प्लस 1 इज 7, 7 प्लस 5 इज 15, 16 17 कैरी 1, 1 प्लस 2 इज 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब देखिए दोनों चीजें सेम आ गई है, सिर्फ यूनिट्स डिफरेंट है। तो इसका मतलब पेरीमीटर कहें या एरिया कहें, कितना आ गया 37.68